में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा समिति एवं अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में तथा श्री सिद्धेश्वर मंदिर में नगर धर्माचार्य पंडित श्री हरि ओम पाठक की अध्यक्षता में किया जाएगा श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा का आयोजन। श्री पाठक ने यात्रा के मार्ग एवं रूपरेखा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा परम पूज्य संतों के आह्वान पर नगर के प्रथम बार राम जन्म उत्सव के पावन पर्व पर विशाल व भव्य शोभा यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर से 30 मार्च को गुरुवार को करीब 2 बजे से समस्त सनातन धर्म से जुड़े हिंदू सांस्कृतिक में ओतप्रोत भक्तों के द्वारा प्रस्थान करेगी। इसमें मानक के अनुसार ध्वनि यंत्र, डीजे, रथ बग्गी, घोड़े, ढोल नगाड़े आदि शोभा यात्रा बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुसार जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम के जन्म उत्सव पर भय थे प्रकट कृपाला दीन दयाला इस प्रकार की बधाइयां गाई थी, इसी को पूरा करते हुए झांसी में 30 मार्च को इसी प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के आयोजक जयदीप खरे के द्वारा राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। यात्रा के समस्त संतों महंत विष्णु दत्त स्वामी, वसंत विष्णु, गोलवलकर, लल्लन महाराज, त्रिवेदी जी, काली मंदिर, मन चतुर्वेदी, बालकिशन नायक पुजारी, सिया शरण चतुर्वेदी आदि सनातन धर्म से जुड़े जन प्रतिनिधियों के साथ यात्रा संपन्न कराई जाएगी। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ अंशु मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा संस्थान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य है। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था तब जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर करें अनुमानित तब तब भी प्रभु मनुष्य किया। उस प्रकार भी जब असुरों का आतंक हुआ था बहुत ज़्यादा थी तो भगवान राम का अवतार हुआ था तो उसी की प्रेरणा अनुसार हम लोग राम जन्म उत्सव रामनवमी पर हमेशा से मनाते चले। आज सरकार की मंशा के अनुसार और संत समाज की जो हम लोगों ने यहाँ संत समाज में इकट्ठा हुआ था उसमें श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा समिति के द्वारा एक बृहद शोभा यात्रा 30 मार्च को गुरुवार को दोपहर में 3 बजे एक बड़ी शोभा यात्रा कम से कम 20 DJ 11 बजे इसके साथ में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाए जिसमें लगभग कम से कम सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा उपस्थित होंगे। जो हमारी यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर से दोपहर में 2 बजे से प्रारंभ होगी और प्रारंभ होकर बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से होती हुई सीधी लोहा मंडी होती हुई रघुनाथ जी के मंदिर पर मानिक चौक में समाप्त होगी। इसमें किसी भी राजनीति का कुछ नहीं, ना ही किसी संगठन का वो होना। हम आपसे आपके चैनल से के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं झांसी की जनमानस से और नगर जिले की जनमानस से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राम जन्म उत्सव महोत्सव में हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए उपस्थित हों यात्रा की शोभा। चूँकि ये यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है, एक ऐसी यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं समस्त समानातन और राम भक्त मिलकर कि ऐसी यात्रा निकले कि एक मिसाल कायम हो जो झांसी नगर में, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी मिसाल कायम हो कि एक राम जन्म उत्सव की शोभा यात्रा निकले। हमारे भाई जयदीप खड़े हैं, संजीव कुमार जी हैं, हमारी बहन जी हैं, देवराज जी हैं और शासन की भी यही मंशा और समस्त जनमानस की, भारतवर्ष के जनमानस की, उत्तर प्रदेश के जनमानस की और झांसी नगर के जनमानस की यही जनमंशा है कि राम जन्म उत्सव एक भव्य शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। जैसे अवध में बधाइयाँ बनी जब त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसी प्रकार आज सिद्धेश्वर मंदिर पर 30 तारीख को ऐसी बधाइयां बसती हुई शोभा यात्रा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल। खबर आपके लिए।